उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 31 जनवरी और 1 फरवरी के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 से 5 फरवरी तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ मजबूती के साथ सक्रिय हो रहा है। 31 जनवरी की शाम या रात से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी से भारी बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में भी 2 दिन अच्छी बारिश होगी और 2 से 5 फरवरी तक भी 2500 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हो सकती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 30 जनवरी को देखें और 1 फरवरी को देखें तो इसमें जो रेन, थंडरस्टॉर्म या फिर स्नोफॉल की जो एक्टिविटी है वो करीब करीब ज़्यादातर जगहों में मिलने वाली प्रदेश में। तो जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो तो ज़्यादातर जगहों में है ही है, लेकिन जो स्नोफॉल की अगर बात करें तो उसमें जो बर्फबारी है वो अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं तो उनमें कुछ जगहों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी वो देखने को मिलेगी, 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र।